शामली जनपद में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने रोड होल्डअप पर लूटपाट की है। बदमाश ने 3 बाइक सवारों से लूट की है और पीड़ितों से 22,000 रुपए की नकदी व एक बाइक लूट कर फरार हो गए। अज्ञात बदमाशों ने पीड़ितों को रस्सी से बांधकर अमरूद के बाग में डाल दिया। जैसे तैसे करके पीड़ितों ने खुद की बंधन मुक्त हुए और इस पूरे घटनाक्रम को सूचना पुलिस और परिजनों को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों की तलाश में कोबिंग की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव बीबीपुर जलालाबाद के मजरा मंगलपुर का है। मंगलपुर निवासी मनीष पुत्र ब्रिजवाल कस्बे में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग की दुकान करता है। पीड़ित ने बताया कि वो शाम के समय अपनी दुकान बंद कर बाइक द्वारा अपने घर मंगलपुर जा रहा था। जिस समय वो वेदखेड़ी से मंगलपुर की ओर गया तो बाग के कोने पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसे लाठी डंडे से आतंकित करते हुए रोक लिया, जिन्होंने उसे डराते धमकाते हुए उसके कब्जे से उसकी TVS कंपनी की बाइक तथा नकद 22,000 रुपए लूट लिए और बाद हाथ पैर बांधकर अमरूद के बाग में डाल दिया, जिसके बाद दूसरे राहगीर को बदमाशों ने पकड़ लिया और उससे भी जमकर लूटपाट की, जो कि गांव शिवनगर निवासी राम रामफल बताया गया है। ये भी अपने एक साथी के साथ रमाला मील से कार्य कर वापस गाँव जा रहे थे। उनके कब्जे से मात्र 160 रुपए मिले, उसके बाद उनके भी हाथ पैर बांधकर उसी बाग में डाल दिया। कुछ देर बाद बदमाशों ने पीड़ितों से पूछा कि किसकी बाइक में पेट्रोल अधिक है, जिस पर शिव नगर निवासी ने कहा 100 रुपए का डलाया था और मिल में हो गए हैं। मंगलपुर निवासी ने बताया कि उसने 200 का डलवाया था तो उसकी बाइक लेकर बदमाश जंगल के रास्ते फरार हो गए। पीड़ितों ने किसी तरह अपने आप को बंधक मुक्त कराया तथा फोन द्वारा ही परिजनों व पुलिस को सूचना दी। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया तथा आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग की। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मनीष कुमार, सबक ब्रजवाल। अच्छा जी भाई, क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ में? मेरे साथ में, मैं यहाँ से अपनी दुकान बढ़ाया 8 बजे चला यहाँ से। अच्छा, और जैसे ही अपने रास्ते पे गया, कौन से कहाँ से? गाड़ी वाला कट्ठा पड़ा जी, जिससे रास्ता जहाँ गाँव बीबीपुर जलालाबाद में, एक रास्ता बैठ कर निकल जाए सीधा वहाँ से जा बीबीपुर, और यहाँ बाग पड़ा है जी अस्सी वाला जी, तो वही अमरुद वो आम का जो बाग है वो अस्सी वाला है जी, उसके जस्ट बराबर में अमरुदों का बाग है। वहाँ से गया, पहले से ही जो है 3 युवक दाग लगाए खड़े थे, उन्होंने मैं रोका, रोक का जो है जी मुझे अंदर बाग में ले गए। मेरे ही बढ़ने से जो है मेरे हाथ बांधे, पैर बांधे और मेरे पे 22,500 रुपये फिर मिले जी, और मेरी बाइक ले गई, मुझे अंदर डाल दिया कांड कर। फिर मेरे बाद दो यू लड़के हो रहे शिवनगर के, उन्हें भी अंदर ले गए बाग में और उन्हें भी बांध कर डाल दिया। उनसे पूछा भाई तुम्हारे पास क्या है? अब भाई मेरे पे तो 160 रुपये है। कहाँ से आए? अब भाई हम तो रमाड़ा मिल में मजदूरी करने गए, मैं जो है भाई तेल 100 रुपये का डलवा था, कतेक तेल है तेरी बाइक में? अब मैं तो 100 रुपये का डलवा था और भाई रमाड़े से अरे यहाँ तक आए जी, क्या लगा अभी लगा कतेक होगा तुझे गाँव में जाते हैं? फिर मेरे से पूछा भाई तुमने, मगर भाई मैं 200 रुपये का सुबह डलवा था और भाई 2-3 साइड में कर गया, हम तो वहाँ भी लुटा दिया भाई। मैं फिर और भी रोकने की कोशिश करी उन्होंने, पर कोई रुक नहीं पाए। टाइम भी मेरे हिसाब से उस टाइम पर 9:15 बजे भी लिए थे। अच्छा, फिर मैं जो है बाइक लेकर मेरे वाली हरी तरफ हुई, हमारे गांव की तरफ हुई, फिर की तरफ हुई, पता नहीं कौन से रास्ते से किधर को निकले अंदर, तो हमें पता नहीं। फिर आप ले गए थे? हम तो वैसे ही खुले जी, बट आप भिंडी घूम हो गए। हाँ जी, दो लोग और थे मेरे से बाद में जो है जैसा पहले जहाँ मैं लुटा रखा था वहीं पे उन्हें ले गए। अच्छा, उसके बाद में और लोग भी वहाँ से गए, उनके साथ में भी कुछ घटना हुई? ना जी, उनके बाद तो हम निकल गए थे, ना कोई। फिर किसी पुलिस को सूचना दी क्या? दिया नहीं जी, हमने चौकीदार को सूचना, चौकीदार के जरिए जो है पुलिस को सूचना। अच्छा ठीक है।